इंडिया की एकता में पड़ी दरार, अखिलेश के बाद नीतीश भी कांग्रेस पर सख्त। लोकसभा चुनावों को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये विपक्षी एकता का सेमीफाइनल है, जहां कई विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे कांग्रेस की वजह से विपक्षी एकता की हवा निकलती दिख रही है, साथ ही क्या विधानसभा चुनावों में विरोधी और लोकसभा चुनावों में दोस्ती संभव हो पाएगा, और अगर हाँ तो यह कितना सफल होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में मध्य प्रदेश का चुनाव है। दरअसल मध्य प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन यहाँ चुनावों में कई क्षेत्रीय दल अपनी ताकत दिखाते रहे हैं, पर लोकसभा चुनावों को लेकर कई दलों के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने यहाँ इनसे समझौता करना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से अब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कांग्रेस को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में जदयू ने मध्य प्रदेश में पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं खबरों की माने तो पार्टी और भी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। हालांकि जदयू ने अपने तरफ से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सपा द्वारा मांगी सीटों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस तरह नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार कर एक तरह से कांग्रेस को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। देखें तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह विपक्षी एकता के लिए खतरे के समान है। वैसे भी इंडिया में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर कांग्रेस की वजह से कई राज्यों में विपक्षी एकता शुरू से ही सवालों के घेरे में है, जिसका एक नमूना मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा। देखें तो विधानसभा चुनावों में तकरार का असर लोकसभा चुनावों में भी पड़ सकता है। वैसे भी विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद लोकसभा चुनावों में इन दलों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना कठिन होगा। हो सकता है कि जदयू और सपा मध्य प्रदेश का बदला लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे के दौरान ले। इसकी एक वजह यह भी है कि जदयू जहां बिहार की ताकतवर पार्टी है, तो वही सपा इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, यानी कि इंडिया में आगे सबसे बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में आगे क्या होगा यह समय बताएगा, पर बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिसका असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ना सिर्फ कई सांसदों को उम्मीदवार बना दिया, बल्कि पार्टी ने उम्र का बंधन और परिवारवाद के मुद्दे को भी त्याग दिया। यानी कि जिस परिवारवाद पर पार्टी निशाना साधते रहती है, मध्य प्रदेश चुनावों में उसकी आहुति दे दी। जाहिर सी बात है कि इससे यह भी साफ है कि बीजेपी हर हाल में यह चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पार्टी को विपक्ष से डर भी है कि इसीलिए बीजेपी ने अपने सिद्धांतों से भी किनारा कर लिया। इससे यह साफ है कि लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह विपक्ष के बड़े बड़े दल एकजुट हुए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बेचैनी है, जिसका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की वजह से विपक्ष एकता खतरे में नजर आ रही है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में सपा और जदयू कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है, साथ ही इसके परिणाम का इंडिया की एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है।